जुलाब सी शक्ल के मुझे पुदीन हरा की गोली बोलने वाले पिछवाड़े में चिपकी पतलून को देख कती पीली तो ना पड़ गई, क्योंकि तब जब वो पीली पड़े है ना तो ऐसी घटना और दुर्घटना में यो पुदीन हरा ही काम आवे। मेरा ये मानना है कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन जब तमाम टिकटॉकर्स को यूट्यूब पर रोस्ट किया गया तो वो 5 बजे जिन पर आप यूट्यूब के ऊपर टिकटॉक को प्राथमिकता दे सकते हैं। टिकटॉक अमीर और गरीब देखकर भेदभाव नहीं करता, यहाँ बिना DSLR और बिना आईफोन के भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाकर आप नाम कमा सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक पर लोग अपने पूरे परिवार के साथ वीडियोस बनाते हैं। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास के लोग खासतौर पर पूरे परिवार को इसमें शामिल करते हैं। जिंदगी के तनाव के बीच में टिकटॉक हर तरह के मनोरंजन का सबसे बेहतरीन जरिया है, और यही वजह है कि कम समय में दुनिया भर से लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। वक्त की एक कीमत होती है, इसलिए छोटी लेकिन गंभीर बात के जरिए आप मैसेज देकर लोगों तक अपनी छाप ठोस तरीके से छोड़ सकते हैं जो उन्हें याद रह जाती है। क्योंकि अभी तक टिकटॉक पर हिंदू मुसलमान जात पात हावी नहीं हो पाया है, यहाँ पर सिर्फ इंसान बनकर आप खुद का या दूसरों का मनोरंजन कर सकते हैं। एक अच्छा यूट्यूब चैनल चलाने के लिए अच्छे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं जो हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता। पहली चीज, टिकटॉक में सिर्फ मोबाइल चाहिए होता है, तो उसमें जो लोअर क्लास के लोग भी होते हैं वो भी आसानी से वीडियो बना लेते हैं। अब जो लोअर क्लास का आदमी जिसने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा, जो आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है, जिसने आपकी तरह एजुकेशन सिस्टम तो छोड़ो, जो आपके आसपास लोग हैं वो तक उसके आसपास नहीं दिखे करते, उसने अच्छी चीज़ देखी ही नहीं कभी, वो 15 सेकंड में क्या बना के दे देगा आपको? आपके पास ऑप्शन है नॉट इंटरेस्टेड करने का, वो आप 2-3 बार नॉट इंटरेस्टेड करोगे तो वो अपने आप आना बंद हो जाएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको उठाएंगे, उसको अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसको माँ बहन की गाली देंगे, फिर सब लोगों के सामने मजाक उड़ाएंगे और सारे लोग मिलकर हंसेंगे। एक्चुअली ये ईगो सेटिस्फाई करना है कि मैं इतना अच्छा, इतनी इंफॉर्मेटिव बातें कर रहा हूँ, इतना अच्छा कॉन्टेंट बनाता हूँ, मेरे से ज़्यादा लाइक इस बेवकूफ़ के पंचर जोड़ने वाले के एक मजदूर के कैसे आ गए? इनको तो समाज में रहने का